पर टॉमी जॉन से मिलने आई हूँ। मैं चैंग सॉन्ग हूँ। मेरे साथ तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ना कि तुम्हें जवाब चाहिए। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम चाहते क्या हो वो बताओ। मैं चाहता हूँ बस तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। जिससे आप प्यार करते हो उसका आप दिल तोड़ दें। अगर यहां जबरदस्ती रहने की कोशिश करूंगा तो कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। थैंक यू तुम्हारे यहां आने का। और चैंग सॉन्ग अकेले घर जा रही है वो बताने का भी शुक्रिया। तुम हमेशा इस बात का इंतजार करोगे कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं? नहीं ऐसी बात नहीं है। 12 साल पहले जो तुमने किया उसके लिए भी शुक्रिया। मैंने कहा ना वो मैं नहीं हूं। चैंग ये बात नहीं जानती कि जिसने उसकी जान बचाई थी वो तुम ही हो। लेकिन वो तुम में इंटरेस्टेड है। तुम भी चैंग सॉन्ग को बहुत पसंद करते हो ना? वरना इतनी मदद नहीं करते तुम उसकी। बात करने से पहले सोच लिया करो। वो तो बेवकूफ है, तुम तो समझदार हो ना। क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम उससे वाकई मोहब्बत करते हो तो उसे पाने की हर तरह से कोशिश करो। उसकी मदद करो बिना कहे। एक और बात, ऊपा तुम्हारा भाई है ना? तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? मेरे भाई ने भी कल रात तुम्हारे बारे में ही पूछा था। हाँ जानता हूं मैं उसे, चैंग सॉन्ग को। पहले अपने भाई से बचाओ। क्या कहना चाह रहे हो तुम, साफ कहो। अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। चैंग के लिए एजेंसी खोलेंगे? ये लियो ने कहा होगा आपसे, वो पहले भी जिक्र कर रहा था इस बारे में। अच्छा है ये, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर, क्योंकि चैंग को इसकी जरूरत भी है। जी मैडम ओनी, चैंग सॉन्ग की मुझे फिक्र रहती है बहुत। चैंग इस कंपनी की पार्टनर होगी और इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। ओह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चैंग की अपनी एक एजेंसी होगी। अपनी खुशी मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। क्या आज रात आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? ये मेरी खुशकिस्मती होगी। ऑफ कोर्स। इस लिस्ट में से एक 80 साल का आदमी अपनी कंपनी का मालिक है जो इस वक्त थाईलैंड में है। दूसरा आदमी मीडिया से है, उस दिन वो किसी शो में गया हुआ था। और ये जो आखिर में है, इसकी 2 साल पहले एक हादसे में डेथ हो चुकी है। डेथ हो गई? उसका नाम सुयन था, उम्र उसकी 32 साल के करीब होगी। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन ली है? ये बिल्कुल बेकार है हमारे लिए। हाँ? इसकी मदद से कैसे पता चलेगा मुजरिम का? देखो इस तरह की रिपोर्ट्स बनाकर तुम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। इतनी रात को कहाँ गया होगा? किसी लड़की के साथ तो नहीं घूमने गया? चैंग सॉन्ग, जाने का वक्त आ गया है।
वेरी गुड। शुक्रिया। थैंक यू। ये लीजिए। हाँ लाओ। लंच के लिए रेस्टोरेंट जाएंगी ना आप? नहीं, मुझे अभी कहीं और जाना है। मैं अपनी गाड़ी से चली जाऊंगी खुद ही। तुम लोग जा सकते हो। ओके। सीमी, कल जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उसे भूल जाओ प्लीज। कहना क्या चाह रहे हो लियो? मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मैं एक अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहता। मैंने बाद में इस चीज को रियलाइज किया कि मैं बहुत ही खुदगर्ज बन रहा हूं, और ये मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। सिमी, मैं तुम्हें मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहता। जिससे मोहब्बत करते हैं उसका दोस्त बनना आसान नहीं। क्या कहना क्या चाह रहे हो लियो? मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मुझे ये करना होगा क्योंकि मैं अब चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। सीमी, मेरे ख्याल से हमारी दोस्ती बस यहीं तक ही थी। ये इतनी सुबह सुबह यहां क्या कर रही है? मेरी हालत तो देखो। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? तुम्हारा आना अजीब लग रहा है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे ताल्लुकात ऐसे हो जाएंगे। जब मैं तुम्हारे साथ होती थी तो मुझे भी अजीब ही लगता था। आज तुम्हें लग रहा है? अच्छा, तुम्हें जब मैंने दरवाजे के बाहर खड़ा देखा था तो ये सोच लिया था कि जो हुआ उसे भूल जाऊंगी। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की बिना किसी लालच के, क्योंकि तुम मेरी दोस्त थी। अच्छा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? तुमने जो कुछ मुझसे पहले कहा क्या वो मेरे लिए कम है? मैं सब पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहती। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह तुम खुद हो। मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स की वजह तुम थी। मैं प्रॉब्लम थी? हाँ, तुम। अभी कुछ दिन पहले जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, ऐसे ही हादसा 12 साल पहले भी हुआ था ना? उस हादसे में जिसने तुम्हें बचाया था, तुम उससे मिलना चाहती हो ना? ये बात कहाँ से शुरू हो गई? हाँ, मिलना चाहती हूँ तो क्या? इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक? Thank you.
कभी कभार तुम बहुत बेवकूफ लगती हो मुझे। फजूल बातें बंद करो, वो कहो जो कहना है। तुम तो यही कहती थी ना कि वो आदमी जब भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसे पहचान लोगी, तो अब जब सामने है तो क्यों नहीं पहचान रही? सामने है? कितना बेसब्री से इंतजार था तुम्हें, लेकिन तुम्हारा ये इंतजार खत्म हो चुका है चैंग। लियो तो तुम्हारा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है चैंग, असल इंतजार तो तुम्हें उस शख्स का था ना। पहचानो उसे चैंग। कौन है वो, क्या जानती हो उसके बारे में? वो तुम्हारे बहुत करीब है और मुझे हैरानी है कि तुम उसे पहचान क्यों नहीं रही हो। करीब है? कहाँ है? कौन है? तुम किसकी बात कर रही हो? यकीन कीजिए। वो देखिए निशान, यहीं पर था वो। कौन है तुम, जानती हो उसे? तुम जानना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं जानना, लेकिन मुझे एक बात का अंदाजा हो गया है कि तुम लियो को पसंद करती हो। सही कहा ना मैंने? हाँ करती हूं, बहुत पहले से पसंद करती हूं उसे मैं। मगर ये बात हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूं मैं। मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है। लियो मुझे पसंद करता है और इसी वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। वो लड़का कौन है ये बात मैं तुमसे कभी नहीं जानना चाहूंगी। मैं तुम पर यकीन करूं भी तो किस लिए? तुम अपना एतबार खो चुकी हो। तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना, हर बात शेयर की तुमसे, लेकिन तुम इस काबिल नहीं थी शायद। चैंग सॉन्ग तुम बस करो सीमी, तुम लियो को पसंद करती हो और इसीलिए तुम ये चाहती हो कि मेरे दिमाग में ये बात डाल दो ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। क्यों, ऐसा ही है ना? तुम कभी मेरी दोस्त थी ही नहीं, है कोई जवाब? दुश्मन हूं ना मैं तुम्हारी? देखो चैंग, तुम कुछ जानती भी हो तो अब मुझे उस बारे में कुछ नहीं जानना। ठीक है, उसने उस रात मुझे एक्सीडेंट से बचाया और उस रात मेरे डैड भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और मैंने अकेले जीना सीख लिया। मुझे याद भी नहीं आती उनकी। मुझे अपनी जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं, समझ गई? और रही उस शख्स की बात, उसे अगर मेरी जिंदगी में आना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, समझ गई? अगर तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हो तो मेरा एक मशवरा है, दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना छोड़ दो। और ये जो हसद की आग तुम्हारे अंदर जल रही है वो तुम्हें तबाह कर देगी। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही हसद करती रही, ये बात किसी और को मत बताना प्लीज, वरना दोस्ती से एतबार उठ जाएगा लोगों का। तुम जिस मकसद से यहां आई थी वो तो पूरा नहीं हो सका, गुस्सा आ रहा होगा, बहुत गुस्सा आ रहा होगा, जलन हो रही होगी। अगर तुमने उससे सच्ची मोहब्बत की होती तो वो कभी मेरे पीछे नहीं आता, तो
तुम्हारे साथ होता अभी भी मौका है, सुधर जाओ सिमी, वरना खाली हाथ रह जाओगी। क्या हुआ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हारी कॉल आ रही है, उठा क्यों नहीं रहे? इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों, कौन है? एक लड़की है, पीछे पड़ी हुई है मेरे। वो मैसेज आया है, वो तो देख लो कौन है। कौन होगा, वही है। पता नहीं क्यों तंग कर रही है मुझे, क्या कहना चाहती है मुझसे। 400 होगा। प्रॉब्लम क्या है तुमको? हो सकता है उसको तुमसे जरूरी बात करनी हो। ना तुम उसकी कॉल उठा रहे हो, ना मैसेज का जवाब दे रहे हो, मसला क्या है तुम्हारे साथ? सोचा भी है कितना इंतजार कर रही होगी वो। और तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसकी जिंदगी में शामिल हो? उसे इंतजार करवाओ, उसका दिल तोड़ो। इसे हो क्या जाता है? वो तुम्हारे बहुत करीब है और मुझे हैरानी है कि तुम उसे पहचान क्यों नहीं रही हो। मैंने उस शख्स के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? जानना चाहिए था कि वो कौन है, क्यों किया मैंने ऐसा। दरवाजा खोलो। टॉमी जॉन, इतना अंधेरा क्यों है? जॉन, क्या हो गया तुम्हें? तुम उठते क्यों नहीं? आंखें खोलो प्लीज, उठो डॉमी जॉन। ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, कॉल करती हूँ एम्बुलेंस को। चैंग सोंग, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। क्यों,
तुम्हें जरूरत है, हॉस्पिटल जाना ही होगा तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। डोमीजन उठो, क्या हो गया तुम्हें? डोमीजन उठो, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डोमीजन का क्या हुआ, कहाँ गया वो? तुम्हें यकीन है कि वो बचेगा? नहीं, यकीन से तो नहीं कह सकता, पर वो उस वक्त बेहोश हो गया था। इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी इसका। हॉस्पिटल ले जाएं इसे। तुमने ये अच्छा किया कि मुझे यहाँ बुला लिया और एम्बुलेंस को कॉल नहीं की। क्यों, उससे क्या हो जाता? अब ये ठीक है, कोई खतरे की बात तो नहीं? होश कब तक आएगा इसे? मालूम नहीं, बस दुआ है कि ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, वरना इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्या, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे परेशान हो रहा हूँ इसके लिए। ऐसा करो, तुम अब घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती, जब तक इसे होश नहीं आ जाता मैं यहीं हूँ। यहाँ इसके पास तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन डोमीजन जाने वाला है यहाँ से। क्या, कहाँ जा रहा है? इसके जाने में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। लेकिन ये जा कहाँ रहा है, किसी और शहर? वापस नहीं आएगा? देखो, मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे ज्यादा अटैच मत हो, क्योंकि इसके जाने के बाद ये कभी वापस लौट कर आने वाला नहीं है। प्लीज जाओ यहां से। इसे गौर से पढ़ लीजिए और साइन करवा कर मुझे वापस कर दीजिएगा। मैं अपना साइन पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, करवा लूंगी। एक्सक्यूज मी। ओके। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं जानवरों के अस्पताल में रजाकाराना तौर पर काम करता हूँ, तो वहीं से फोन था। वो बता रहे थे कि एक पागल कुत्ता भाग गया है। ओह, भाग गया? वो तो बहुत खतरनाक होगा। बिल्कुल, हमें उसे जल्द अज जल्द पकड़ना होगा। आप चैंग सॉन्ग के लिए परेशान होना छोड़ दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चैंग की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाए और जो शोहरत उसने खोई है वो उसे वापस मिल जाए। वो USB हमने उससे हासिल कर ली है, अब परेशानी की कोई बात नहीं। डोमीजन का क्या हुआ, कहाँ गया वो? तुम्हें यकीन है कि वो बचेगा? नहीं, यकीन से तो नहीं कह सकता, पर वो उस वक्त बेहोश हो गया था और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गया। तुम जा सकते हो। गुड इवनिंग डैड।
क्या बात है, आज बड़ा लेट आए हो। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? आज के डिनर में कुछ ज्यादा ही खा लिया तो सोचा पार्क में जाकर क्यों ना थोड़ी वॉक कर ली जाए। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। जी चलो चलते हैं। लगता है बहुत हसीन ख्वाब देख रहे हो तुम इस वक्त। ये ख्वाब टूट ना जाए इसलिए आंख नहीं खोल रहा। उठ गए? चलो नाटक मत करो, उठ जाओ। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, खाना बना रही हूँ ना मैं। इसीलिए खड़ा था मैं यहाँ। अच्छा अच्छा बस, नहीं करती मैं तुम्हारा नुकसान, खाना बनाने दो मुझे। जब तुम ये खाओगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाओगे, बहुत मजे का बनाऊंगी मैं। ख्याल है खरीद ले। क्या पसंद आ रहा है तुम्हें इसमें? फजूल सी चीजें हैं सब। नहीं नहीं, ये अच्छी डील है, एक के साथ फ्री मिल रहा है, ले लेना चाहिए। एक के साथ एक फ्री। कोई भी चीज साथ में फ्री में मिल रही होती है तो मैं खरीदनी होती है। और अपना ऑर्डर बुक कर। छोड़ो ये खाओ। अरे फोन दो मेरा, क्या है मंगवाने दो ना। अरे मेरा फोन। ख्याल है आइसक्रीम खा ली जाए? मोटी हो रही हो तुम। मोटी हो रही हूँ? सच बताओ, झूठ नहीं बोलना, मोटी हो रही हूँ मैं, फिर नहीं खाऊंगी मैं आइसक्रीम। प्रेग्नेंट हो इसलिए एहतियात करना जरूरी है। ओ, खा लेते हैं ना। वैसे तुम मोटी होकर भी अच्छी लग रही हो। मुझे एहसास हुआ ऐसे ख्वाब सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही होते हैं। अब दोबारा मैं ऐसे ख्वाब कभी नहीं देखूंगा। मैं डिटेक्टिव जॉन हूं, क्या डॉमी जॉन घर पे मौजूद है? क्या हुआ, यहां बाहर क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही? डॉमी जॉन का क्या हुआ, कहां गया वो? तुम्हें यकीन है कि वो बचेगा? नहीं, यकीन से तो नहीं कह सकता, पर वो उस वक्त बेहोश हो गया था और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गया। डॉमी जॉन कहां है? वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? तुम कैसे जानते हो ये? कुछ
कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि वो ठीक नहीं है। अच्छा चलो, यूं किसी के दरवाजे पर बैठना अच्छा नहीं लगता। अब बताओ हुआ क्या है? मैं पूरी बात तो नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम किसी को बताना मत इस बारे में। मगर क्यों? क्योंकि उसने हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया। जरूर कोई खास वजह होगी। ओ लियो, तुम भी आए हुए हो यहाँ? जी आंटी। मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, थैंक यू कहने के लिए। किस लिए? तुमने अपने भाई से कहा और वो चैंग के लिए एजेंसी बना रहा है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया क्या? चैंग सॉन्ग को पहले अपने भाई से बचाओ। कब मिली आप उससे? कल रात ही हमारी मुलाकात हुई है। उसने खुद कहा आपसे? हाँ, उसने खुद कहा है कि वो तुम्हारे लिए एजेंसी खोलेगा और तुम इस एजेंसी के बराबर की पार्टनर होगी। ऊपर बहुत ही अच्छा इंसान है। लियो, तुम सच में नहीं जानते? तुमने ही कहा होगा ना ऊपर से ये सब करने के लिए? नहीं आंटी, मैंने उनसे ये सब नहीं कहा। अच्छा, खैर बातें बहुत हो गई। उसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है मुझे साइन करने के लिए। चैंग, इतना पढ़ क्या रही हो? साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट पर। प्लीज मॉम, नहीं करना। लियो, तुम समझाओ इसे, इसमें इसका ही भला है। भाई ने अजीब ही काम किया ये। उन्हें पहले पूछना तो चाहिए था। अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो मत करो साइन, मैं बात करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं डिटेक्टिव जॉन हूं। क्या डॉमी जॉन घर पे मौजूद है? दरअसल मुझे डॉमी जॉन से कुछ सवालात करने हैं मिस्टर यूरिक के बारे में। लेकिन इस वक्त उसकी तबीयत इस काबिल नहीं है कि वो आपके सवालों का जवाब दे सके। मेरा मिलना जरूरी है उससे। देखिए मैं आपसे। उनके एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह है वो, और उसी ने यूरिक की जान बचाई है। अगर वो मुझसे बात नहीं करेंगे तो उसे मसला हो सकता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो गवाह के तौर पर आपसे मिलने के लिए गया था, लेकिन अब आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसी को मुजरिम समझ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवाह बात करे ये उसकी अपनी मर्जी पर होता है। अगर आप उससे जबरदस्ती बात करना चाह रहे हैं तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। क्या ये बात आपको मालूम नहीं? और आपके पास कोई सबूत नहीं कि डॉमी जॉन मुजरिम है। फिर भी अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो कोर्ट से आपको लीगल नोटिस लेकर आना होगा। अपना वक्त जाया मत कीजिए, जाइए कोर्ट से लीगल नोटिस लेकर आइए, फिर बात होगी। एक मिनट रुकिए, आपकी तारीफ। मैं डॉमी जॉन का पर्सनल लॉयर हूं, आप सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा, हेलो मिस चेंग सॉन्ग, आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। मैं डिटेक्टिव जॉन हूं। ओह, शुक्रिया। योरा की मौत की वजह से आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस केस से मुतालिक मैं स्टेटमेंट दे चुकी हूं, तो अब आप मुझसे क्या पूछने आए हैं? मैं उस रात क्रूज शिप पे मौजूद नहीं था, लेकिन आपके पड़ोसी डॉमी जॉन, सुना है वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो क्या उस रात को क्रूज शिप में आपके साथ थे? अच्छे दोस्त हैं तो वो आपके साथ आए ही होंगे। डॉमी जॉन वहां नहीं था, वहां पर सिर्फ वही लोग आए थे जिन्हें। कुछ याद आया आपको? मैंने बताया ना, वो नहीं आया था वहां। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि उस रात को आपने कुछ अलग सी बात महसूस की थी? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप डॉमी जॉन और यूरा के बारे में कुछ जानती हैं? उसका यूरा से क्या ताल्लुक? वो इसलिए कि यूरा का कोई बॉयफ्रेंड था, हो सकता है वो आपका पड़ोसी डॉमी जॉन ही हो। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता।
क्यों नहीं? वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं, कभी मिले भी नहीं। तो इसका मतलब है कि यूरा का किसी और से अफेयर था जो नहीं पता। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कह कशाओं से ये बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे। जी लूं ये सर पर बरबल, पी लूं ये खुशियों के सरजल, फजाओं ने किए इशारे। I'm a bavra.